लोकसभा चुनाव में इस बार फैसले चौंकाने वाले तो आएंगे ही, फिर भी राजनीतिक गुरुओं के आंकड़ों के हिसाब से यूपी की कई सीटों पर कांटे की टक्कर सपा और भाजपा के बीच साफ नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सीट की जो राजनीतिक गुरुओं की माने तो सपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और कारण की बात करें तो यहां से बसपा का कमजोर लड़ना और असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी खड़ा न होना माना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूपी की 8 लोकसभा संभल सीट की, जो इन दिनों काफी चर्चाओं में भी रही है और पूर्व में भी चर्चा में थी। इसका चर्चा में रहने का इस बार सबसे बड़ा कारण यह है कि सपा बसपा और भाजपा ने यहां से ऐसे चेहरे उतारे हैं जिनमें से अगर कोई भी जीतेगा तो वो पहली बार संसद में पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि ये सीट सपा के खाते में कैसे जा रही है। बताना चाहेंगे कि इस सीट पर मरहूम सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग के पौत्र जियाउर रहमान वर्ग की लोकप्रियता दिन ब दिन लोगों के बीच बढ़ती ही जा रही है। वो संभल लोकसभा के जिस गांव में कदम रख रहे हैं वहां उनका जोरदार स्वागत और मजबूत समर्थन मिल रहा है। साथ ही उनके दादा की अब तक की सियासत का फल उनको इस चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जियाउर रहमान वर्ग में मरहूम सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग को देख रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। ऐसा कई लोगों की जुबान पर सुना भी जा रहा है। राजनीतिक गुरुओं के आंकड़े के हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संभल सीट पर प्रत्याशी न होना और बसपा का कमजोर प्रत्याशी होना जियाउर रहमान की जीत यानी सपा की झोली में इस सीट को जाता हुआ देखा जा रहा है। और लोगों का मानना यह भी है कि इस बार सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर 2,00,000 वोट से जीत दर्ज कर सकते हैं, पर ये सब आंकड़े और अनुमान हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, वक्त आने पर ही पता चलता है किसका पल्ला भारी है और किसका हल्का। 7 मई को ये तो जनता तय करेगी और 4 जून को हिंदुस्तान देखेगा किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है। फिलहाल आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो भी कर दीजिए। देखते रहिए हुकूमत एक्सप्रेस।